माइनस 0.5 लेस देन एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0.5। ओके सो थिंक अबाउट इट एंड टेल मी कैसे फाइंड करेंगे। Any idea? Addition of integration. Good. Okay. So क्या करना है? Suppose ये तुम्हारा C1 है and this is C2. Just consider. Okay. So C1 क्या हो जाएगा? All those x such that x is greater than minus 0.5. ठीक है? And C2 is all those x where x is greater than 0.5. Now, अभी और मतलब क्या set notation में? Or means union. Correct? And means intersection. So here you have to find probability of C1 union C2, which is nothing but तुम्हें क्या करना है? दो integral का addition करना है. सो फर्स्ट इंटीग्रल क्या आएगा? फॉर फर्स्ट इंटीग्रल जैसे तुम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे लास्ट टाइम हमने किया था, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन फाइव अगर फाइंड करना है सो क्या देखते थे हम? लिमिट कौन सी दी है, अपर या लोअर? जो लिमिट दी है वही लिमिट हम लेंगे, अगर कोई लिमिट नहीं दी है तो क्वेश्चन में जो लिमिट दिया होता है वो हम कंसिडर करते हैं. करेक्ट? सो हियर सी, इन सी वन x की लोअर लिमिट दी है माइनस 0.5, अपर लिमिट नहीं दिया है सो क्या लेना है जो क्वेश्चन में है? सो टेक 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स. करेक्ट? देन सेकेंड क्या आएगा? सेम, लोअर लिमिट दिया है 0.5, अपर लिमिट 2, f of x dx. अभी f of x तुम्हारा क्या है? f of x equal to k into 4 minus x square. तो सबसे पहले यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? सिंस f of x इज पीरियड माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of x dx इज इक्वल टू 1, यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी. करेक्ट? सो पहले k की वैल्यू फाइंड करो, देन इसके बाद ये सॉल्व करो. स्टार्ट करो. हेलो, पहले k की वैल्यू फाइंड. यस मैम, वो लिमिट कौन सा आएगा इसमें? किसमें? माइनस 2 से 2 ना, ये f of x dx में. ये हाँ हाँ हाँ, यहाँ तुमको क्या लेना है? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा होल लिमिट. कैलकुलेशंस में जरा ध्यान रखना, माइनस टर्म्स में यूज ब्रैकेट्स प्रॉपरली.
मिला। ओके जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई विल सेट अप माय स्क्रीन। डन। यस क्या मिला? वैल्यू मिली के की 3/32। राहुल ये 1 किसको मिला है? कौन सी वैल्यू है ये? के इक्वल टू 3/32 मिला सबको। सिंपल इंटीग्रेशन था। यस नाउ फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C2 व्हिच इज इक्वल टू -0.522 k into 4 - x² dx plus 0.522 k into 4 - x² dx। ठीक है, अब देखो दोनों इंटीग्रल में k जो है वो कॉमन है, बराबर। पहले k बाहर निकालो, देन कॉमन निकाल लेना। सो k -0.522 4 - x² dx प्लस के 0.522 4 - x² dx विच इज इक्वल टू के कॉमन निकालो, इंटीग्रल -0.522 4, अब सेपरेट करो dx माइनस x² dx प्लस 0.522 4 dx माइनस 0.522 x² dx। समझा कैसे किया? इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है। अब आगे सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेट करो। श्रेया, श्रेया अनम्यूट करो और एक एक इंटीग्रल बताओ।
श्रेया सृष्टि यस मैम हाँ इंटीग्रल बताना फोर के बाहर ब्रैकेट फोर इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू फोर इनटू एक्स स्क्वायर हाँ अपॉन टू हाउ वो डीएक्स इंटीग्रल ऑफ फोर डीएक्स क्या होता है फोर इसका इंटीग्रल बताओ एक मिनट में फोर इज कॉन्स्टेंट वैल्यू टेक आउटसाइड इंटीग्रल ऑफ डीएक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रल ऑफ डीएक्स देन इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स आता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रल ऑफ डीएक्स इज एक्स एक्स हो जाएगा फोर एक्स माइनस 0.522 माइनस सेकंड वन एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला बताओ तो एन क्या है यहाँ पे टू तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेस टू थ्री अपॉन नेक्स्ट प्लस फोर एक्स नेक्स्ट एक्स क्यूब अपॉन थ्री ठीक है सॉल्व करो अब यस राहुल करेक्ट साहिल अमला यस नो 27.5/3 नहीं आएगा 1 आएगा आंसर दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू यूज ब्रैकेट्स प्रॉपरली क्योंकि टर्म्स ज्यादा है ना आयुष कैलकुलेशन बताना क्या किया हेलो यस मैम 1 मिनट हेलो हाँ हाँ बोलो मैम मेरा अभी पूरा आंसर नहीं आया ऐसा है कि k इनटू 27.5/3 आया क्या मिला मैम मतलब ये जो ब्रैकेट है ना पूरा चार ब्रैकेट हाँ इनको इनका एडिशन करने के बाद मेरा 27.5/3 है मैम अब क्या करूं 27 पॉइंट तुम्हारा पॉइंट में कैसे आ गया मैम पॉइंट में तो आएगा ही नहीं मैम वो सब भी था ना वो 0.5 लोअर लिमिट था ना उसका मैम ओके वेट आई सब्स्टिट्यूट एंड सी बताओ क्या किया इसके आगे मैम अभी मेरा आंसर आया है k इनटू 27.5/3 तो मैम k का वैल्यू कैसे ढूंढूं K का वैल्यू मैंने पहले ही कहा था ना फाइंड करो तुमने किया नहीं उससे टाइम में 3/32 आएगा ना K का वैल्यू फाइंड करना है जैसे यूजुअली हम करते हैं सिंस हमको पीडीएफ दिया है f is pdf माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी f of x dx is 1 यस ठीक है तो यहाँ पे लिमिट आएगी माइनस 2 से 2 k इनटू 4 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 इसका यूज करो ए की वैल्यू मिलेगी 3/32 ओके करके देखते हैं हाँ
चेक आउट योर कैलकुलेशंस. मिला सबको आंसर वन. सी कैलकुलेशन चेक करो. Yes, any doubts? Okay, write down next question. The PMF of random variable X The PMF of a random variable X is given by P of X equal to X is equal to pi CX divided by 2 raised to 5. X equal to 0, 1, 2 and so on up to 5 and equal to 0 otherwise. Show that probability of X less than equal to 2 is equal to probability of X greater than equal to 3. Okay. Combination के लिए formula पता है? NCR is equal to N factorial divided by R factorial into N minus R factorial. Okay. Now यहाँ पे क्या दिया है? PMF दिया है, PDF नहीं. This is a discrete random variable. X की value 0, 1, 2, 3, 4, 5. And तुमको show करना है probability of X less than equal to 2 is equal to probability of X greater than equal to 3. I'll give you 2 minutes, just think about it. कि क्या करोगे? Anyone? Come on, you can guess it. At least try it. कैसे करेंगे? See, you know the function probability दी है 5 cx divided by 2 raised to 5.
यू नो द वैल्यू फॉर एक्स, करेक्ट? यू नो व्हाट यू हैव टू शो, क्या क्या फाइंड करना है, इवन यू नो हाउ टू फाइंड आउट, देन क्या डिफिकल्टी है? गणेश, आर यू देयर? साक्षी, साक्षी मानसी पाटिल, सारे ऑन करके चले गए हैं क्या? मैम हम लोग पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद पी ऑफ एक्स मोर देन थ्री का वैल्यू फाइंड करेंगे और अगर आंसर इक्वल आया तो वो दोनों इक्वल होगा. ओके गुड, ट्राई करो. ओके सो सिंप्लीफाई करते टाइम आई टेल यू, इसको वैल्यूज में दिखाने की जरूरत नहीं है. टू रेस टू फाइव है, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो, ठीक है? कैलकुलेशन इजी होगा. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करो, फॉर यू नो दैट पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू इज नथिंग बट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से. जीरो से लेके टू तक वैल्यू चाहिए, करेक्ट? इट इज गिवन दैट लेस देन इक्वल टू. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, करेक्ट? For p of x greater than equal to 3, you want value from 3 to 5. So p of 3 plus p of 4 plus p of 5. Correct? Means तुमको सारी values calculate करनी पड़ेगी 0 से लेके 5 तक. So start करो for x equal to 0. For x equal to 0, p of x equal to 0 is equal to x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, 5c 0 divided by 2 raised to 5. समझा प्रोसीजर क्या करना है? कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. सी दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप्स के सम आ सकते हैं. हर बार तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हो ये जरूरी नहीं है. सम टाइम यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट एंड देन जो क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व करना होगा. हेलो मैम, पी ऑफ एक्स थ्री, वो पी ऑफ थ्री प्लस पी ऑफ फोर फाइव, उसका भी फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करना है ना वैल्यू, फाइव सी एक्स अपॉन टू रेस टू फाइव. व्हिच वन, सॉरी रिपीट इट अगेन. वो p of 3 plus p of 4 plus p of 5, वो वैल्यू x का 5 raise
सी फाइव रेज टू एक्स और टू रेज टू फाइव इसी में वैल्यू पुट करना है ना. पी ऑफ थ्री, पी ऑफ फोर, पी ऑफ फाइव सेपरेटली करो, देन सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे वैल्यू. ठीक है, जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया अभी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, फाइव सी जीरो, फाइव सी जीरो कैलकुलेट करो. फाइव सी जीरो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, यूज दिस फॉर्मूला, फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जीरो फैक्टोरियल इन टू फाइव फैक्टोरियल. यू नो दैट जीरो फैक्टोरियल इज वन और ये दोनों कैंसल होगा. ठीक है, सो फाइव सी जीरो इज वन, इन जनरल एन सी जीरो वन होता है हमारा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू रेज टू फाइव. जैसे p ऑफ x इक्वल टू जीरो कैलकुलेट किया, सेम p ऑफ x इक्वल टू वन कैलकुलेट करो. दिस इज इक्वल टू फाइव सी, नाउ पुट x इक्वल टू वन, फाइव सी वन डिवाइडेड बाई टू रेज टू फाइव. कैलकुलेट फाइव सी वन, फाइव सी वन इज फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल इन टू फोर फैक्टोरियल. करेक्ट, ये हो जाएगा फाइव इन टू फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल, कैंसल आउट फाइव. दिस इज इक्वल टू फाइव बाई टू रेज टू फाइव. इसको ऐसे ही रहने दो. समझा कैसे कैलकुलेट करना है? Yes, ma'am. हाँ, सेम वे सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो एंड इक्वेशन वन टू फाइंड करो. देखो दोनों इक्वल आते हैं क्या, कर लोगे? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, किसी को डाउट है? ओके, सो राइट डाउन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू. फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन of the random variable whose PMFs are given below. Find the expected value, variance, standard deviation of random variable whose PMFs are given below. So main table deti hu, x equal to x, probability of x equal to x for 1 by n, 2, 1 by n, 3, 1 by n, and so on up to n 1 by n. ये तुम्हारा PMF टेबल है. You have to find expectation, variance, standard deviation. First of all, tell me formula. Kajal. Kajal, formula batao. Expectation is? Summation of expectation is summation of n xi pm. ठीक है, अब कैलकुलेट करो. सी, अब यहाँ पे x की वैल्यूज क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो एन अप टू n. एंड px क्या दिया है, सबके लिए इक्वल है, 1 बाय n, 1 बाय n एंड सो एन अप टू 1 बाय n. तुमको क्या करना है, ईच x एंड p मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है सबको. करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 बाय n प्लस 2 इंटू 1 बाय n प्लस 3 इंटू 1 बाय n प्लस सो एन अप टू n इंटू 1 बाय n. करेक्ट, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, विच इज इक्वल टू, अभी 1 बाय n कॉमन है, टेक आउटसाइड,
अंदर क्या बचेगा, वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो एन अप टू एन. एनी वन रिमेम्बर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है? इलेवेंथ में किया होगा तुमने, याद है किसी को? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, दिस कैन बी रिटन एज वन बाय एन. यस साहिल, गुड. दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ आर, आर इज इक्वल टू वन टू एन. ये इसका नोटेशन फॉर्म है, करेक्ट? समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन, आर इज इक्वल टू व्हेन आर इज इक्वल टू वन वन प्लस पुट आर इज इक्वल टू 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 एंड सो एन अप टू वन. ये इसका नोटेशन फॉर्म है, ठीक है? दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, एन से एन कैंसल हो गया विच इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू. ये हो गई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, ठीक है? सिमिलरली कैन यू फाइंड वेरियंस? वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई, करेक्ट? अब क्या करना है, x का स्क्वायर लेना है, 1 बाय n से मल्टीप्लाई करना है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 बाय n, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 1 बाय n एंड सबको ऐड करो, करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 बाय n प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 बाय n प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1 बाय n एंड सो एन अप टू n स्क्वायर इंटू 1 बाय n, करेक्ट? सेम, टेक वन बाय एन आउटसाइड, अंदर क्या मिलेगा, वन प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर एंड सो एन अप टू एन स्क्वायर. नाउ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसका नोटेशन क्या आएगा, वन बाय एन समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू वन टू एन. करेक्ट? अब ये भी तुमने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? एनीवन? याद है किसी को? ओके, आई विल टेल यू. वन बाय एन इनटू एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स. ये दो वैल्यूज हमेशा याद रखो, समेशन ऑफ आर, आर इज इक्वल टू वन टू एन इज एन इंटू एन प्लस वन बाय टू एंड समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू वन टू एन इज एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, हमेशा यूज आएंगी. ओके, कैंसल करो टर्म्स, n प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, ये हो गया ई एक्स स्क्वायर. नाउ वेरियंस इज ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर. अब ये कैलकुलेट कर सकते हो, सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, n प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर, क्या मिला था, n प्लस वन बाय टू स्क्वायर. लो, n प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर इज फोर. ठीक है, डन.
एनी डाउट्स? ओके, सो योर नेक्स्ट चैप्टर इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. आई विल जस्ट टेल यू टुडे डेफिनेशंस. फर्स्ट वन इज बर्नौली ट्रायल. ओके, नाउ व्हाट इज बर्नौली ट्रायल? बर्नौली ट्रायल इज सपोज देयर इज वन रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज ओनली टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम, सक्सेस एंड फेलियर. Those experiments are called, those variables are called as, or experiments are called as Bernoulli trial. For example, you are tossing a coin. ठीक है, तो आउटकम क्या मिलेगा? हेड या टेल? या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, नथिंग एल्स. करेक्ट, दैट इज या तो सक्सेस या तो फेलियर. उसको बोलते हैं हम Bernoulli trial, जिसके सिर्फ दो आउटकम होते हैं, सक्सेस एंड फेलियर. तो सक्सेस हम हमेशा डिनोट करते हैं वन से, एंड फेलियर हम डिनोट करते हैं जीरो से. ठीक है, सिमिलरली सपोज अगर कॉइन टॉस कर रहे हो तो आउटकम्स मिलेगा हेड या टेल. सपोज मैंने हेड के लिए लिया वन, मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मुझे सक्सेस मिलेगा इफ आई गेट हेड. I'm considering this. Okay. So failure किसमें होगा? 40. Correct? Here you have only two outcomes, success and failure. So head के लिए मैं suppose denote कर रही हूँ one, तो tail के लिए क्या हो जाएगा? Zero. इसको बोलते हैं Bernoulli trial, जिसके सिर्फ दो outcome होते हैं, success and failure. Understood? ठीक है. नाउ इसके बाद आता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ये जो Bernoulli trial है इसको हम n टाइम रिपीट करते हैं. एन एक्सपेरिमेंट ऑफ n रिपीटेड इंडिपेंडेंट Bernoulli trial इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. राइट डाउन, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ, हाँ कार्तिक मैं रिपीट करूंगी, डोंट वरी. राइट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एन रिपीटेड इंडिपेंडेंट Bernoulli trial इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. ठीक है, Bernoulli trial समझा सबको? What is Bernoulli trial? कार्तिक सो यू आर नॉट गेटिंग इट व्हाट इज Bernoulli trial? करेक्ट, सी फिर से बताती हूँ Bernoulli trial क्या होता है. इसमें क्या होते हैं, हमारे सिर्फ दो आउटकम होते हैं. फर्स्ट वन हम कंसिडर करते हैं सक्सेस, एंड सक्सेस के बाद जो बच जाता है वो होता है हमारा फेलियर. सिर्फ दो ही आउटकम मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉसिंग अ कॉइन, आउटकम क्या मिलेंगे? सिर्फ दो आउटकम है यहाँ पे, हेड एंड टेल, नथिंग एल्स. अगर मैं सक्सेस ले रही हूँ गेटिंग हेड, तो फेलियर क्या हो जाएगा? टेल. करेक्ट, दो आउटकम है हमारे पास. हम सक्सेस को डिनोट करते हैं वन से एंड फेलियर को डिनोट करते हैं जीरो से. सो फॉर हेड वन एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी, फॉर हेड वी डिनोटेड बाय वन एंड फॉर टेल नोटेशन इज जीरो. इतना समझा? जस्ट यू रिमेम्बर कि यहाँ पे सिर्फ हमें दो ही आउटकम मिलेंगे, या तो वो सक्सेस होगा या तो वो फेलियर होगा, दैट्स इट. क्लियर? ओके, इसके बाद
ये जो हमारा बर्नौली ट्रायल है इसको हम रिपीट करेंगे एन टाइम, ठीक है? बर्नौली ट्रायल को हम एन टाइम रिपीट करेंगे तो क्या होगा? सपोज मैं एन टाइम रिपीट कर रही हूं तो मुझे कभी सक्सेस मिलेगा, कभी मुझे फेलियर मिलेगा, करेक्ट? सपोज एस 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 एफ एफ एफ, ये है मेरा सक्सेस, ये है मेरा फेलियर, ठीक है? सपोज तुमको एक्स टाइम सक्सेस मिल रहा है तो फेलियर कितने टाइम मिलेगा? इफ यू आर रिपीटिंग इट एन टाइम्स, एन माइनस एक्स, करेक्ट? क्लियर? इतना समझ आया सबको? ओके, तो एक सेट क्या हो जाएगा सक्सेस का, कंसिडर ये हमारा सक्सेस का सेट है जहां पे एस क्या हो रहा है, एक्स टाइम रिपीट हो रहा है, एंड कंसिडर बी जो कि हमारा फेलियर है, ये कितने बार आ रहा है, एन माइनस एक्स, क्लियर? एंड दिस ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. ओके, नाउ सी, अभी तुमने 11th में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा कि अगर दो इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट? यू नो दिस. सिमिलरली यहाँ पे ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. करेक्ट? समझा? ओके, नाउ सी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड सो एन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस रिपीटिंग एक्स टाइम्स, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड सो एन अप टू रिपीटिंग एन माइनस एक्स टाइम. सपोज हम सक्सेस डिनोट करते हैं पी से एंड फेलियर डिनोट करते हैं क्यू से. इन बर्नौली ट्रायल यू जस्ट हैव टू आउटकम्स, तो यहाँ पे हम सक्सेस डिनोट करते हैं वन एंड फेलियर जीरो, बट इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली ट्रायल हम एन टाइम रिपीट कर रहे हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे हम सक्सेस डिनोट करेंगे पी से एंड फेलियर डिनोट करेंगे क्यू से. नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज पी इंटू पी इंटू पी सो एन अप टू एक्स टाइम्स, एंड फेलियर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू so n up to n minus x times. okay, ये value क्या मिलेगी हमें, suppose मैं a into a कर रही हूँ, two times है ये, तो मुझे value क्या मिलता है, a square, correct? अगर मैं तीन बार multiply करती हूँ, three times, तो value क्या मिलेगा, a cube. similarly p into p so n up to p, x time हम multiply कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p raised to x. क्लियर? सिमिलरली क्यू इंटू क्यू सो एन अप टू एन माइनस एक्स टाइम, ये क्या हो जाएगा, क्यू रेज टू एन माइनस एक्स. इतना समझा? ओके, इसके बाद यहां पे देखो, अभी ये जो मैंने सीक्वेंस ली एस 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 एफ एफ एफ, अब मुझे पता नहीं है कि कब मुझे सक्सेस मिलेगा, कब मुझे फेलियर मिलेगा, करेक्ट? ये फेलियर इसके बीच में भी आ सकता है, सक्सेस इसके बीच में भी आ सकता है. यहाँ पे फॉर टाइम बीइंग के लिए मैंने इसको ऑर्डर में ले लिया कि सपोज काउंट करने के बाद मुझे सक्सेस एक्स टाइम मिल रहा है एंड फेलियर मुझे एन माइनस एक्स टाइम मिल रहा है, बट ये सीक्वेंस इस तरह से तो नहीं होगा, करेक्ट?
तो इसके लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन एन सी एक्स, समझ गए, क्लियर? नाउ दिस इज योर न्यू फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एनी डाउट्स? ओके, आई विल रिपीट इट वंस अगेन. See it carefully. We have Bernoulli trial where we have only two outcomes. First one is success, second one is failure. यहाँ पे हम denote करेंगे success by one, failure by zero. ठीक है? Then हम क्या करेंगे? Bernoulli trial को n time repeat करेंगे. N time repeat करने के बाद कुछ value हमें success मिलेंगी, कुछ value हमें failure मिलेगी. Suppose सक्सेस मुझे एक्स टाइम मिल रहा है, फेलियर मुझे एन माइनस एक्स टाइम मिलेगा, करेक्ट? मैंने दो सेट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेट डिनोट सक्सेसेस एंड सेकंड डिनोट फेलियर्स, करेक्ट? नाउ दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. तो नाउ वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंटनेस, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, P of S मिलेगा तुम्हें X time, P of F मिलेगा N minus X time. Now, consider success denoted by P and failure denoted by Q. Substitute values, P into P X time मिलेगा P raise to X, Q N minus X time मिलेगा Q raise to N minus X. Correct? Now, for different combination, अप्लाई करेंगे सी एन सी एक्स. सो फाइनल फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. क्लियर? ओके, किसी को डाउट है कुछ? एनीवन? Okay, since P is success, Q is failure, P plus Q is equal to 1, P is always 1 minus Q and Q is 1 minus P. P or Q ki value hamesha greater than equal to 0 and less than 1 hogi. Agar tumko P diya hai, तो Q इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अगर Q दिया है तो P कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, नाउ थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज हम एक ही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, दिस वन, नथिंग एल्स. द प्रोसीजर इज क्वेश्चन रीड करना है, देन n की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, P एंड Q की वैल्यू दी होगी, जस्ट क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करके वैल्यूज फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम विल डू दैट, डोंट वरी. तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, प्रूफ नहीं याद हुआ तो भी कोई बात नहीं, प्रूफ नहीं पूछेगा कोई, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. Just you remember that Bernoulli trial क्या होता है and binomial distribution कैसे मिलता है after n repeated independent Bernoulli trial. ठीक है, clear? Any doubts? Okay. सो नेक्स्ट टाइम क्या करना है, लेक्चर के पहले लॉग बुक सबको अपने पास रखना है.